वेलकम टू द चैनल एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 194 डी ए के बारे में, जो कि है टीडीएस ऑन पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टैक्सेबिलिटी ऑफ सम रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। सो जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के मैच्योर होने पे जो भी सम हमें रिसीव होता है, तो वो सम सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डी के अंदर एग्जेम्प्ट होता है, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डी में स्पेसिफाई है। और अगर वो कंडीशंस फुलफिल नहीं होती है तो जो सम रिसीव्ड होता है अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वो टैक्सेबल होता है। सो रेट ऑफ टीडीएस क्या होगा उस अमाउंट के पेमेंट पे अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डी में एग्जेम्प्ट नहीं है। सो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग एट द रेट ऑफ 1% टीडीएस डिडक्ट होगा ऑन एनी सम पेड टू अ रेजिडेंट अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। यानी कि जो पेयर पे ही है वो रेजिडेंट होना जरूरी है, इस सेक्शन में टीडीएस डिडक्शन की कंडीशन है। हाउएवर विद इफेक्ट फ्रॉम 1/9/2019 इस सेक्शन में एक अमेंडमेंट आया है, वो ये है कि टीडीएस डिडक्शन की रेट है वो 5% हो गई है। एंड वो 5% किस अमाउंट पे कटेगा, जो भी सम रिसीव हुई है उसमें से डिडक्ट होगा इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि एसएससी ने पे किया है, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उस पे एट द रेट 5% टीडीएस डिडक्ट होगा इस सेक्शन में विद इफेक्ट फ्रॉम 1/9/2019। जो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है इस सेक्शन में, यानी कि किस अमाउंट से ज़्यादा का पेमेंट होने पे किस अमाउंट का पेमेंट या फिर उससे ज़्यादा पेमेंट होने पे इस सेक्शन में टीडीएस डिडक्शन की लायबिलिटी आएगी। सो अगर पेमेंट या फिर एग्रीगेट पेमेंट, अगर पेमेंट इंस्टॉलमेंट में हुआ है तो एग्रीगेट पेमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर अगर 1,00,000 या उससे ज़्यादा हुआ है तो टीडीएस डिडक्शन की लायबिलिटी आ जाएगी सेक्शन 194DA में। एंड ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो जो कंप्लायंस बर्डन है स्मॉल टैक्स पेयर्स पे उसको कम करने के लिए लगाई गई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।